एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर कामयाब कार्रवाई करके बैरून मुल्क स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाते हुए करोड़ों रुपए मालियत की हेरोइन बरामद कर ली। खुफिया इतला पर की गई कार्रवाई के दौरान दो मुलजिमान भी गिरफ्तार किए गए हैं। ज्वाइंट डायरेक्टर ANF कर्नल आसिम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ANF ने खुफिया इतला पर इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर खड़े कंटेनर पर कामयाब कार्रवाई करके फर्नीचर में छुपाई गई 12 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। बरामद की गई हेरोइन की आलमी मंडी में 13 करोड़ रुपए मालियत बताई जाती है। उनका कहना था कि हेरोइन को फर्नीचर में छुपाकर बैरून मुल्क स्मगल किया जा रहा था, जो कि मुल्क की बदनामी का बाइस बनती।